तो आज हम रोस्ट करने वाले अंबानी के बेटे की वेडिंग, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रही है, सालों साल लग रही है, चली जा रही। No, God, please, no. भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ। भाई साहब, प्री वेडिंग में इतना खर्चा, फिर वेडिंग में इतना खर्चा, फिर रिसेप्शन में, उससे पहले भी कुछ हुआ था क्रूज पे, आई डोंट नो, है ना, उससे पहले भी हुआ था जिसमें भाई पूरे रिहाना वियाना को नचवाया था इन्होंने, कितने करोड़ दे के। इस पर तो जस्टिन जीजू को बुला लिया है, वो चड्डी दिखा के नाच रहे। क्या पहना? तो चड्डी पहनने के लिए क्या आप 90 करोड़ दे रहे हो? मतलब सीरियसली, इससे अच्छा आप किसी और को बुला रहे थे, वो एटलीस्ट पूरे कपड़े पहन के तो वीडियो मतलब गाना गाता भाई। बता तो देते कि पर ले क्या ही बताएंगे, इतने बड़ा सिंगर, उसको तो नहीं बता सकते कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है ये वो। भाई वैसा चड्डी मेरे पापा घर में पहन के सो जाते हैं। 80 करोड़ रुपए लेके गया भाई, 90 करोड़। हाँ भाई, भाई अंबानी ये 90 करोड़ किसी गरीब में डोनेट कर देता तो मैं भी वो थोड़ा सा दुआ भी देता उसे। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? और उनके शादी में बहुत ही अच्छे अच्छे कपल और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए। ये क्या चल रहा है, लौंडे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स, ये अंबानी ने तो इनको रोड पे लिटा दिया भाई, नीचे फर्श पे लिटा दिया। क्या अंबानी का पावर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भाई हार्दिक पांड्या को तो देख के गाइज लग रहा है कि उसके डाइवोर्स की जो रूमर्स आ रहे थे वो बिल्कुल सच था, क्योंकि यहाँ पे उसकी बीवी तो हमें दिखी नहीं, और ऊपर से वो इतना एंजॉय कर रहा है भाई, वो भी अनन्या पांडे के साथ। कुछ तो बात मुझको कुछ लग रहा है कि कुछ तो पकड़ा है इन दोनों के बीच। और गाइस, किम क्या लग रही है भाई, आई एम रियली अ बिग फैन, मतलब एकदम फैन मोमेंट ऐसा, काश मैं इसको देख पाती अगर अंबानी मुझे इनवाइट करता तो। इंडियन जो आउटफिट है वो भी लड़कियों का भाई, मतलब क्या ही है भाई, हमारे इंडिया में जो आउटफिट होते हैं, तो फॉरेनर भी इतने अच्छे लग रहे हैं, उनको खुद भी बिलीव नहीं हो रहा हो कि वो इतने अच्छे लग रहे हैं भाई। लहंगे में क्या लग रही है, बहुत ही ज्यादा ही सुंदर लग रही है, एकदम जलपरी लग रही है। रिक्शा में भी गई है, इंडियन ऑटो रिक्शा, तो आई होप उसको ये अच्छा लगा, क्योंकि फॉरेन में तो ऑटो रिक्शा मिलते नहीं है, और मुझे भी थोड़ा पसंद है वैसे, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद ऑटो, क्योंकि बाल बहुत खराब हो जाते हैं, बट ठीक है, पसंद है मुझे। रणवीर और आलिया जो कि कभी मुझे साथ में नहीं दिखते किसी भी पार्टीज में, तेरे को दिखते हैं कभी भी नहीं? अभी भी ये जो भी अंबानी का हुआ था उसमें भी वो बंदा अकेले जा रहा है, अकेले भाई क्यों, फिर शादी क्यों करी, कपल क्यों हो, कौन है, कहाँ से आते हैं? कपल है नहीं ना, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है इनकी भी डाइवोर्स होने वाली है बहुत जल्दी, और मतलब हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, बस बाहर नहीं आया, जैसे कि हार्दिक का बाहर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ये लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं अभी 1-2 साल बाद बता देंगे कि हम अलग हो गए हैं, बस यही। हमारे सल्लू भाई जो कि ऑल टाइम सिंगल, एकदम एनिमल वाले फील, और मतलब मैं सिंगल वो भी सिंगल, तो ये तो समझ रहे ना, और वो तो पूरे इंडिया के क्या, मेरे को तो लग रहा है पूरे वर्ल्ड के क्रश बन गया होगा अभी तक, और मेरा तो वो है गाइस। और जहाँ तक कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो भी अभी अकेले दिखी है, तो मे भी सल्लू भाई और उसकी एक्स पैचअप कर सकते हैं, मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा हिंट आ रहा है, बट अभी कुछ नहीं बता सकता। अगर ऐसा हो गया गाइस मैं तो बहुत ही हैप्पी होंगी भाई। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे अलकट हंस।